हेलो हेलो हेलो। प्रोग्राम दिया है ये, जो करगिल वार जो किया था उसके लिए ये दिन बना रहे हैं हम। आज हमने जो यहाँ पे सब आए हैं, इसमें शिरकत की है इस प्रोग्राम में, हम यहाँ पे जिन्होंने इस मुल्क अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपने जान को निशावर किया है, हम उन जवीर जवानों को सलाम करने आए यहाँ पे जिन्होंने अपनी जान को बलिदान दिया अपने कौम के लिए है। और हमें फ़ख्र है अपने हिंदुस्तान पे, अपनी आर्मी की अफसरों पे, अपनी आर्मी के जवानों पर, जिन्होंने हर वक्त पूरे मुल्क की हिफाजत करते हैं कि बॉर्डरों पर जो बैठे हैं, कभी भूखे, कभी भूखा शुका, कभी ठंडी में, और तब हम सो पाते, पूरा देश सोता है, और लेकिन हमारा एक जवान, वीर जवान बॉर्डरों पे ड्यूटी, अपनी जान को निशावर करके ड्यूटी अंजाम दे रहा है। इस चीज़ को हम सलाम करते हैं और हमें फ़ख्र है अपने जवानों पर जिनने अपने देश के लिए अपनी जान को बलिदान दिया है। शुक्रिया। पर करगिल दिवस मना रहे हैं और उन मशाल जो है वो बारामूला पहुंची है और हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं पूरे मुल्क के
जो लोग हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए जान को निछावर किया और ये साबित करके दिया कि भारत की आन बान शान पर जब बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन जैसे बहुत सारे सेना के जवान जिन्होंने अपनी जानों को निछावर किया और इस तिरंगे की शान को बचाया और ये साबित करके दिया कि जब भी तिरंगे की शान पे बात आएगी तो देश का हर एक नागरिक, न सिर्फ सेना बल्कि हर एक नागरिक जो है वो लड़ाई के मैदान में पहली सफल। आज चूंकि विजय दिवस है, करगिल विजय दिवस, हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को तहफ़ देने के लिए और इस मुल्क की मोहब्बत में अपनी जान गंवाई और शहीद हो गए। तो आज हम उनको याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे कि जब तक हमारे बॉर्डर्स पर हमारे जवान खड़े हैं तब तक हम यहाँ पर अपने आप को महफूज और अमन महसूस कर सकते हैं। तो ये मैं दुआ करता हूँ कि जो भी उस जंग में जो शहीद हुए हैं उनको शांति प्राप्त हो और आगे आने वाले वक्त में हमारी जो फौज है वो भी मजबूत हो जाए ताकि मुल्क में जो है अमन कायम हो। शुक्रिया। आज 19 इन्फेंट्री डिव में जो आज यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया हमारे जवानों को जिन्होंने करगिल वॉर में जो है अपनी जानों की कुर्बानी दी एंड हमेशा अपनी कंट्री की रक्षा की एंड आज यहाँ पर श्रद्धांजलि पेश की गई उनको। रियली वेरी थैंकफुल टू आर इंडियन आर्मी जो हमेशा खड़े रहते हैं अपने मुल्क की रक्षा करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए एंड वी आर रियली थैंकफुल टू देम। वो नहीं होते तो कौन हमारी रक्षा करता। एंड आज का दिन जो है ट्रिब्यूट उनको हम पेश कर रहे हैं जो हमेशा खड़े रहे हैं अपने इंडिया के लिए, अपने लोगों के लिए। उन सब जवानों का उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं कि उन्होंने जो अपनी बलिदान जो इस मुल्क के लिए दिए उस टाइम करगिल वॉर में, हम सब लोग उनकी शहादत को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद और जिस लगन के साथ उन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी है उसी लगन और उसी मेहनत और उसी जज्बे के साथ हम भी अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। हमारे GOC 19 डिवीजन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। और पहली बात तो ये कि आज जो आप करगिल दिवस जो हम देश भर में मना रहे हैं, मैं उन देश के वीर जवानों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जो कुर्बानी हमारे देश के लिए दी है मैं उनके लिए सलाम पेश करता हूँ। और जो आज इस 19 आर्टिलरी डिवीज़न में जो प्रोग्राम हुआ है इसमें ये अपने आप में ये उन शहीदों जो हमारे देश के सपूत जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, मैं हम उनके लिए यहाँ पे आए हैं। उनको श्रद्धांजलि के लिए उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और मैं चाहता हूँ कि